यार आपको ये तो पता ही होगा कि रेड बुल एक समय पर अपनी एम्प्टी कैंस को पॉपुलर नाइट क्लब्स के गार्बेज में डाल देती थी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये ड्रिंक काफी पॉपुलर है और वो रेड बुल को ही खरीदें। वेल गाइस, अगर आपको ये फैक्ट पसंद है तो आज की ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन फ्रॉड्स को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ बहुत से ऐसे सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी जानेंगे जिनको पॉपुलर कंपनीज आपको उल्लू बनाकर अपने सेल्स को बढ़ाती है। तो यार इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको ये कहने पर जरूर मजबूर कर देगी। जागो ग्राहक जागो। गाइस, क्या आपको ये पता है कि स्टारबक्स की पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रांचेस हैं ना, उन सब में बस राउंडी टेबल को यूज किया जाता है। और गाइस, ऐसा करने के भी एक बहुत ही मेन साइकोलॉजिकल रीजन है। दरअसल अगर स्टारबक्स के सीईओ हॉवर्ड सल्ज की माने तो जब भी कोई कस्टमर अकेले कॉफी पीने आता है तो आम टेबल में एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से और दूसरे कपल्स को देखकर उसको लोनली फील होता है। तो इसी अकेलेपन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टारबक्स में इन राउंड टेबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गाइस, आपको ये दो चॉकलेट्स के बार दिख रहे हैं, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा मीठी कौन सी है, तो जरा सोचो और बताओ। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई ये बबली सेब वाली ज्यादा स्वीट है, और बस देखने से ही नहीं बल्कि खाने के बाद भी लोग यही कहेंगे, जबकि दोनों ही चॉकलेट कम्प्लीटली सेम है, सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम टू सेम प्रोसेस से बनी भी हैं। इसके बाद भी ये बबली चॉकलेट ज्यादा स्वीट लगती है। गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग राउंड शेप को स्वीट से कनेक्ट करता है और बॉक्स शेप्स को बिटर टेस्ट से, और इसी चीज को सेप सिंबलिज्म भी कहते हैं। और इस चीज की खबर कंपनीज को तब लगी थी जब चॉकलेट कंपनी के ओनर ने अपने चॉकलेट बार का सेप बदला और उसके बाद ये सबको ज्यादा मीठी लगने लगी। और गाइस, ऐसे ही करके लोगों को पता चला कि सेप भी टेस्ट को चेंज कर सकता है। गाइस, आपने ये तो देखा ही होगा कि सिनेमा हॉल में तीन साइज के पॉपकॉर्न मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज। पर वेल गाइस, स्मॉल एंड लार्ज साइज वाले पॉपकॉर्न ही रियल सेल्स के लिए होते हैं, बाकी जो मीडियम साइज वाली पॉपकॉर्न का पैक होता है ना, वो बस डिकॉय इफेक्ट के लिए होता है जो कि लार्ज साइज की पॉपकॉर्न की सेल्स को बढ़ाता है। गाइस, डिकॉय इफेक्ट या फिर डिकॉय प्राइसिंग एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ऐसी रखी जाती है जिससे कस्टमर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करे जिससे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो। अब एग्जांपल के लिए आप इन तीन पॉपकॉर्न के पैक को ही देख लो। दरअसल मीडियम साइज वाले पॉपकॉर्न की साइज स्मॉल से बस थोड़ी ही ज्यादा होती है, लेकिन उसकी प्राइस बिग साइज वाले से बस थोड़ी ही कम, जिसे जब कस्टमर तीनों की प्राइसिंग और क्वांटिटी का मोल भाव करता है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई बिग पॉपकॉर्न में सबसे अच्छी वाली डील है, मुझे यही लेनी चाहिए, एंड हिंस कंपनीज मेक प्रॉफिट। गाइस, मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बेस्ट मार्केटिंग गोरिल्ला मार्केटिंग को माना जाता है। भाई, ये गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है? देखो छोटे, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो गोरिल्ला मार्केटिंग बेसिकली बस ये है कि आप कितने क्रिएटिव वे से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। एग्जांपल के लिए इस पिक्चर को देखो भाई, कितने क्रिएटिव ढंग से और सनलाइट की मदद से सनग्लासेस का प्रचार किया गया है। देखो कैसे एक कैमरा की कंपनी ने अपने क्रिएटिविटी के दम पर कितनी गजब की मार्केटिंग की है। वैसे कैमरा से भी क्रिएटिव तो ये चड्डी वाली मार्केटिंग है। और गाइस, इस डंबल वाले थैले के बारे में क्या ख्याल है? और चॉकलेट्स बार में सबसे बेस्ट गोरिल्ला मार्केटिंग तो बस यही है भाई। गोरिल्ला मार्केटिंग के आप और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, ये भी काफी यूनिक हैं। तो यारो, अब अगर आप कोई बिजनेस खोलो तो इस मार्केटिंग को जरूर यूज करना। गाइज, आपने ये सवाल तो जरूर सुना ही होगा कि सेल मी दिस पेन, और आपको इसका जवाब भी पता होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पर गाइज, इस सवाल का बस एक ही जवाब नहीं है, इसके और भी आंसर्स हैं, और ये आपकी काफी हेल्प भी कर सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिया में बहुत से इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि सेल मी दिस पेन, तो आप उनके लिए कोई प्यारी सी ड्रॉइंग या फिर उनके लिए कुछ अच्छा सा लिख सकते हो, जैसे कि एक पोयम, जिसके बाद आप उनसे पूछो कि इस प्यारी सी पोयम या फिर ड्रॉइंग के लिए वो कितना देंगे। कॉमनली लोग कुछ पैसे देंगे, जिसके बाद आप उन्हें आंसर देना कि आप ये पैसे रहने दो और बस ये पेन ले लो, साथ ही इस ड्राइंग या फिर इस पोएम को फ्री में ले जाओ। कई कंपनीज और मूवी डायरेक्टर्स अपने शो और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन गाइस, क्या आपको पता है एक ऐसी भी मार्केटिंग है जो कि बिल्कुल एकदम फ्री है और करोड़ों रुपए के मार्केटिंग से ज्यादा इफेक्टिव भी है। इस मार्केटिंग को एक्सपर्ट्स कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल किसी न किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाती है और लोग इसी का फायदा उठाते हैं, या तो कई बार अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ही कंट्रोवर्सी बना देते हैं। गाइस, ये अधिकतर इंटेंशनली ही किया जाता है, बट कभी कभी अनइंटेंशनली भी कंपनीज को इनका फायदा जाता है। अगर इंडिया में आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आपको कुछ महीने पहले बायकॉट चाइना गुड्स वाला प्रोटेस्ट तो याद ही होगा। अब जब यही प्रोटेस्ट चल रहा था तब अमूल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया था, जिसके बाद ही ट्विटर ने उसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया था। पर गाइस, ये बैन अमूल के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ क्योंकि इस पोस्ट के बाद इंडिया की लार्ज ऑडियंस अमूल के इस पोस्ट की तारीफ कर रही थी, तो वहीं ट्विटर की चाइनीज चापलूसगिरी की निंदा। तो वेल, अब अगर बॉलीवुड में किसी की मूवी रिलीज होने वाली हो और उसके रिगार्डिंग कोई कंट्रोवर्सी आ जाए तो समझ जाना ये कौन सी मार्केटिंग है।
यार ये तो कुछ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, बट कहीं ना कहीं ये हम भी जानते हैं कि मार्केटिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक उनमें कुछ फेल्स ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फनी ऑनलाइन फेल्स। भाई इस बंदे की क्या ही गलती थी यार, बेचारे ने मेडिटेशन की बुक मंगाई और उसके बस हर पेज में बस इनहेल और एक्सहेल ही पाया। मतलब भाई सांस लो, पेज पलटो, सांस निकालो, हो गया मेडिटेशन। और भाई यही होता है जब कोई आम इंसान टिकटॉकर्स के स्टाइल की कॉपी करता है। अब आप जरा इस इमेज को देखो, मंगवाया डॉग्स के लिए डॉग पूल था और मिला ये। भाई डॉग्स भी सोच रहे हैं ये क्या चूना लगा दिया भाई, इसमें नहाएं या टॉयलेट करें। वैसे इस फेस मास्क के बारे में आपका क्या ख्याल है? और भाई ये फेल भी काफी ही फनी है। तो यार वो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप यहां से हमारे दोनों ही लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हो, ये दोनों भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड गाइस इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।